हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं यूनिट सेकंड के एक अनदर टॉपिक, क्लास एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो आज से जो बेसिकली आपका जो पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, वन बाई वन डायग्राम्स के ऊपर होगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट हिंट बता दूं कि जैसे ही अगर आपके एग्जाम में कोई भी डायग्राम इलेबोरेट करने के लिए आता है, चाहे वो क्लास डायग्राम हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट डायग्राम हो, चाहे वो डिप्लॉयमेंट डायग्राम हो, चाहे वो कोलेबोरेशन डायग्राम हो, चाहे वो इंटरेक्शन डायग्राम हो, एनी कोई भी डायग्राम, तो कम से कम आपको उस डायग्राम से संबंधित क्या क्या लिख के आना है कि पहले तो उस डायग्राम का ओवरव्यू देना है आपको, जो सा भी डायग्राम आपके पेपर के अंदर पूछा गया है, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, एनी अदर और कोई भी डायग्राम। ठीक है, फिर आपको एक हेडिंग डालनी है टर्म्स के बारे में। ठीक, कौन कौन से टर्म्स हमारे वहाँ यूज हुए, देन कॉन्सेप्ट एंड मॉडलिंग टेक्निक्स, यानी कि पर्टिकुलर कोई सा भी डायग्राम अगर आप के लिए वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो आप कम से कम इन पॉइंटों के बारे में लिख के आएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहता है और न्यूमेरिकल पोर्शन तो इतना कोई खास ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो जितनी अच्छी थ्योरी उतने अच्छे नंबर। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लास डायग्राम के बारे में। ठीक है, क्या होता है क्लास डायग्राम? तो डायग्राम को साइड में रखते हुए क्लास को अगर मैं रिवाइज कराऊं तो क्लास क्या होता है? क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। एक तरीके से हम एक फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं। ठीक, अब वहाँ फंक्शन कॉल कराते थे अपने, जब हम प्रोसेसर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते थे पुराने टाइम पे जब, लेकिन अब क्या करते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लासेस डिजाइन करते हैं। अब इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंसेस ऑफ क्लास, उनको हम इन्वोक करा लेते हैं, और क्लास की जो भी प्रॉपर्टी होती है उस ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट क्या इनहेरिट कर लेता है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो पूरे कोड को रीयूजेबल या यूजेबिलिटी प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो देखिए क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम शो अ सेट ऑफ क्लासेस इंटरफेसेस एंड कोलेबोरेशन एंड देयर रिलेशनशिप। जो पर्टिकुलर जो क्लास डायग्राम होता है वो सेट ऑफ क्लासेस, यानी कि मोर देन वन क्लासेस, जब तो सेट ऑफ क्लासेस होगा। इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराना, इंटरफेस एक तरीके से कम्युनिकेशन चैनल मान लीजिए इंटरफेस को। ठीक है, कोलेबोरेशन, कोलेबोरेशन अनदर क्लास कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, एंड देयर रिलेशनशिप और उनकी रिलेशनशिप, इन सभी का कॉम्बिनेशन कर दो तो क्या बन जाता है, आपका क्लास डायग्राम बन जाता है। ठीक है, क्लास डायग्राम आर ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ द कपल ऑफ रिलेटेड डायग्राम, कॉम्पोनेंट डायग्राम एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम। कुल मिला के जो क्लास डायग्राम एक तरीके से आपका फाउंडेशन भी होता है, किस किस का, कॉम्पोनेंट डायग्राम का और डिप्लॉयमेंट डायग्राम का। इन दोनों डायग्रामों को भी हम आगे डीपली पढ़ेंगे। क्लास डायग्राम आर इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर विजुअलाइजिंग, स्पेसिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग एंड स्ट्रक्चर मॉडल। ये चार हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको याद हो तो यूएमएल के अंदर, कि ये इन चीजों को ही इलेबोरेट नहीं करता, ये उसके साथ साथ क्या करता है कि ये एक एग्जीक्यूटिवल सिस्टम बनाता है, चाहे तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का हो चाहे वो रिवर्स इंजीनियरिंग का हो। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में क्या होता है कि अभी तक वो डेवलप नहीं हुई है, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट आया है और आप वन बाई वन एज अ मॉड्यूल उसको डेवलप कर रहे हो। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है कि ऑलरेडी जो कोई प्रॉब्लम थी उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन डेवलप किया जा चुका है, अब आप उस सॉल्यूशन के सिमिलर एक और सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। आप उसको कहाँ से तैयार करेंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन से, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से कैसा, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट को टॉप पोजीशन, इस पे क्या होता है, टॉप पोजीशन तक लेके जाएंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग आपकी बॉटम टू अपवर्ड चलती है, और ये आपकी फॉरवर्ड इंजीनियरिंग आपकी टॉप टू बॉटम चलती है। ठीक है, क्योंकि वह डायरेक्टली डेवलपमेंट फेज से काम स्टार्ट होता है, सारा काम हो जाता है, उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। यहाँ पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब जाके डेवलपमेंट क्या क्या कोड है, कैसे क्या करना, जब जाके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कंपनी है, उस कंपनी का एक प्रॉपर क्लास डायग्राम डिजाइन किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है आपकी, क्या है, क्लास है। इस कंपनी नाम की क्लास से भी और क्लासेस कनेक्टेड हैं, डिपार्टमेंट है, ऑफिस है, इस ऑफिस को फर्दर इलेबोरेट किया है हेडक्वार्टर में, और डिपार्टमेंट को पर्सन नाम की क्लास में,
और इसको और कुछ सब डिवीजन बना दिए इनके। इसमें ओवरऑल आप एक पूरा सिनेरियो देख सकते हैं कैसे कैसे इस कंपनी नाम की क्लास को इलेबोरेट किया है और आगे डीपली, ठीक है, कंपनी है। अब कंपनी पर्टिकुलर क्या दिखाएगी, ठीक, डिपार्टमेंट होंगे एक कंपनी के अंदर, डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट किसके अंदर होंगे, ऑफिस के अंदर होंगे। पहले तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया जाएगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट डिवाइड कर देते हैं कि ये डिपार्टमेंट है। जैसे आपके कॉलेज में होता है कि ये इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का डिपार्टमेंट है, ये सीएस वाले बच्चों का डिपार्टमेंट है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। वो कहाँ रहते हैं, वो कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डिपार्टमेंट है ना, ऐसी कंपनी, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर डिपार्टमेंट, ठीक। अब डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट और ऑफिस के बीच में एक रिलेशनशिप होगी। कैसी रिलेशनशिप होगी, लोकेशन की। लोकेशन क्या दिखाएगा कि डिपार्टमेंट आपका लोकेट तो होगा कहाँ होगा, ऑफिस के अंदर ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और भी जो ढेर सारे टर्म्स आप देख रहे हैं, एग्रीगेशन, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या दिखाती है कि एट अ टाइम कितने नंबर ऑफ रिलेशनशिप हो रही हैं, ठीक है, हाउ टू रिलेट, कैसे रिलेट कर रहे हो आप, ठीक। ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर क्लास डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, ठीक। अब डिस्कस करते हैं टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। पहला टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट क्या है, अ क्लास डायग्राम इज अ डायग्राम दैट शो अ सेट ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड कोलैबोरेशन एंड देयर रिलेशनशिप। ग्राफिकली अ क्लास डायग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड आर्क। है ही क्या है, वर्टिसेस और आर्क है इस पूरे डायग्राम के अंदर, सिर्फ उनको इलेबोरेट कर दिया है। आप अगर जैसे पेपर में आप ये क्लास डायग्राम आता है, अगर आप इस डायग्राम को बना के भी आते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप वहाँ सारी चीज़ें मेंशन करें कि यहाँ पे एग्रीगेशन हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी है, कि यहाँ पे जनरलाइजेशन हो रहा है, कि यहाँ रियलाइजेशन, और ऐसी चीज़ें जरूरी नहीं है मेंशन करना। आप डायरेक्टली ये बॉक्स, ये बॉक्स टेबुलर फॉर्म में, जैसे ये मैंने क्लास डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते। क्लास डायग्राम के अंदर एक सब हेडिंग और देख लीजिए, कॉमन प्रॉपर्टीज। कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अ क्लास डायग्राम इज जस्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ डायग्राम दैट एंड शेयर द सेम कॉमन प्रॉपर्टीज एज डू ऑल अदर डायग्राम एज नेम एंड ग्राफिकल कंटेंट एंड देयर प्रोजेक्शन इनटू द मॉडल। यानी कि कुछ जो जैसे स्पेशल काइंड ऑफ डायग्राम के नेम, ऐसी चीज़ों को क्या है, कॉमन रखा जाता है क्लास डायग्राम के अंदर, ठीक है। कंटेंट क्या क्या होता है इसके अंदर, क्लासेस होती हैं, इंटरफेसेस होते हैं, कोलैबोरेशन एंड डिपेंडेंसी, ठीक। ये एक कॉमनली ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। उसके अलावा लाइक ऑल अदर डायग्राम, क्लास डायग्राम में कंटेंट नोट्स एंड कॉन्स्टेंट, नोट्स एंड कॉन्स्टेंट, नोट्स एंड कॉन्स्टेंट मतलब कि आपको बताया था ना, एक बॉक्स एक साइड से थोड़ा फोल्डेबल होता है, उसके अंदर क्या हम नोट्स लिख देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज पे फोकस किया जाता है ना इसके अंदर। इसीलिए क्लास डायग्राम में आल्सो कंटेन पैकेज एंड सब सिस्टम, ठीक है। अगर मैं इसका कॉमन यूज देखूं, यू यूज द क्लास डायग्राम टू मॉडल द स्टैटिक डिजाइन व्यू ऑफ अ सिस्टम, दिस व्यू प्राइमरली सपोर्ट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। कुल मिला के एक सबसे पहला ही मॉडल होता है ये डिजाइन करना, ठीक है। क्लास डायग्राम आपको कंप्लीटली क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये सारी की सारी चीज़ों को इलेबोरेट कर देता है आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वी विल टिपिकली यूज क्लास डायग्राम टू मॉडल द वोकैबुलरी ऑफ द सिस्टम, टू मॉडल द सिंपल कोलैबोरेशन एंड टू मॉडल अ डेटाबेस स्कीमा, ठीक। तो देखिए, मॉडलिंग द वोकैबुलरी ऑफ अ सिस्टम होता क्या है, जैसे आप कभी छोटे बच्चे जैसे एडमिशन लेते हैं, जब हम उनका एडमिशन कराते हैं तो प्ले ग्रुप से अपनी नर्सरी वगैरह क्लासेस में जाते हैं, तो उनको वहाँ एक वोकैबुलरी वगैरह सिखाई जाती है, ABCD वगैरह, ठीक ठीक। तो ऐसे सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में ये जो आपका क्लास डायग्राम है, ये आपका वोकैबुलरी का ही रोल प्ले करता है, ठीक। मॉडलिंग द वोकैबुलरी ऑफ अ सिस्टम इन्वॉल्व मेकिंग अ डिसीजन About which abstraction are the part of the system under consideration which fall outside the boundaries. Modeling the simple collaboration. A collaboration is a society of classes. Collaboration के अंदर क्या क्या होता है, classes, interfaces and other element that work together to provide the same cooperative behavior that bigger than sum of all the element. कुल मिला के ये particular सारे individual अपने आप में एक element है, इनको combine करके प्रॉपर बिहेवियर प्रोवाइड कराना, ये कोलैबोरेशन के अंदर
आता है ठीक। अब आता है मॉडलिंग द लॉजिकल डेटा विद स्कीमा। आई थिंक आप स्कीमा से अवेयर हो। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक आपका लॉजिकल फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर कराई जाती है ठीक है। अब डेटाबेस तो डेटाबेस है, लोकली भी डेटाबेस होते हैं। लोकली डेटाबेस से मतलब है कि आपके पर्टिकुलर सिस्टम का एक डेटाबेस होगा ठीक, सर्वर पे डेटाबेस होते हैं। इन दोनों के लिए क्या है, हम एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट यूज करते हैं, उस स्ट्रक्चर फॉर्मेट को हम स्कीमा बोल देते हैं। आप एसक्यूएल के अंदर भी अपने डेटाबेस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा होगा आपने, वहाँ स्कीमा देखा होगा ठीक, वही स्कीमा। स्कीमा इज द ब्लू प्रिंट ऑफ द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन ऑफ डेटाबेस। इन मेनी डोमेन्स यू विल वॉन्ट टू स्टोर द परसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन इन रिलेशनल डेटाबेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। यू कैन मॉडल द स्कीमा फॉर दिस डेटाबेस यूजिंग द क्लास डायग्राम। क्या हम इनके अकॉर्डिंग जैसे हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है क्लास डायग्राम से, हम ये भी स्कीमा को ईजिली डिजाइन कर लेते हैं ठीक। अब क्या है, अब हम देखते हैं कॉमन मॉडलिंग टेक्निक्स के बारे में ठीक है। क्या है मॉडल, पहला है कि मॉडल सिंपल कोलैबोरेशन। व्हेन यू क्रिएट अ क्लास डायग्राम यू जस्ट मॉडल अ पार्ट ऑफ थिंग्स एंड रिलेशनशिप। कुल मिला के जब आप पहले मतलब क्या है, आप एक क्लास डायग्राम डिजाइन करने जाएंगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, थिंग्स होनी चाहिए कुछ, उन थिंग्सों के बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए। जब भी तो एक डायग्राम बनेगा जब तो थिंग्स ही नहीं होंगे, रिलेशनशिप ही नहीं होगा थिंग्सों के बीच में, तो डायग्राम कैसे डिजाइन हो सकता है ठीक है। फॉर दिस रीजन ईच क्लास डायग्राम शुड फोकस ऑन वन कोलैबोरेशन एट अ टाइम ठीक। अब आता है टू मॉडल सिंपल कोलैबोरेशन, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, बस आप देख लीजिए एक बार क्या है। आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म यू हैड लाइक टू मॉडल। अ मैकेनिज्म रिप्रेजेंट सम फंक्शन और बिहेवियर ऑफ द पार्ट ऑफ द सिस्टम यू आर मॉडलिंग दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ क्लासेस इंटरफेक्शन एंड अदर थिंग्स। कुल मिला के जो आप मैकेनिज्म यूज कर रहे हो मॉडल को डिजाइन करने के लिए, उसका जो बिहेवियर और फंक्शन को ऐसे मतलब मॉडलिंग करनी है, उनकी स्ट्रक्चरिंग करनी है जो एक बिहेवियर को शो करें ठीक है। फॉर ईच मैकेनिज्म आइडेंटिफाई द क्लासेस इंटरफेसेस एंड अदर कोलैबोरेशन दैट पार्टिसिपेट इन द कोलैबोरेशन, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप अमंग दीज थिंग्स एज वेल ठीक। यूज सिनेरियो टू वॉक थ्रू दीज थिंग्स अलोंग द वे यू विल डिस्कवर द पार्ट योर मॉडल एंड मिसिंग द पार्ट ऑफ दैट बिहेवियर सिस्टमेटिकली रॉन्ग ठीक। कुछ इस प्रकार का सिनेरियो देखो, अगर कोई गलती भी है तो उसको रिकवर हो जाए ठीक है। ये एक मॉडलिंग सिंपल कोलैबोरेशन एक डायग्राम और बनाया है, इसके अंदर कुछ क्या देखते हैं क्या द एवर फिगर शो अ सेट ऑफ क्लासेस ड्रोन इनटू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑटोनोमस रोबोट। एक ऑटोनोमस रोबोट के लिए क्या क्लासेस डिजाइन की गई है ठीक। द फिगर फोकस ऑन द क्लासेस इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म फॉर मूविंग द रोबोट अलोंग द पाथ। यहाँ पे फोकस किया गया है जब एक रोबोट कैसे मूव करता है उसके लिए ठीक। यू विल फाइंड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास विद टू कॉन्क्रीट चिल्ड्रन स्ट्रिंग मोटर एंड मेन मोटर ठीक। ये ड्राइवर है कैसी, एक स्ट्रिंग मोटर एंड मेन मोटर ठीक, इसकी बात हो रही है। बोथ दीज क्लासेस इनहेरिट द फाइव ऑपरेशन ऑफ देयर पेरेंट ठीक है। ये क्या है, इन्होंने फाइव ऑपरेशन इनहेरिट किए हैं देयर पेरेंट मोटर ठीक, मोटर क्लास से। द टू क्लासेस आर इन टर्न, कैसे टर्न होना है आपको, राइट में कैसे मूव करना है और लेफ्ट में, या फिर मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सारी की सारी चीजें एक मोटर के अंदर फिक्स की। अब क्या है, इसको भी फर्दर डिवाइड किया हमने स्ट्रिंग मोटर और मेन मोटर के अंदर ठीक है। देन अब क्या आएगा, ये सारी चीजें किसके अंदर होंगी, एक ड्राइवर के अंदर होंगी ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम है ठीक, आप कंफ्यूज ना हो, तो ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम है ना कि ये ठीक, ये नहीं है ये डायग्राम है ये ठीक। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट डायग्राम के बारे में। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपके इंस्टेंसेस ऑफ क्लास होते हैं ठीक। एन ऑब्जेक्ट डायग्राम इज अ डायग्राम दैट शो अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप एट द पॉइंट इन टाइम। कुल मिला के क्या है, जो ऑब्जेक्ट डायग्राम आपका शो करता है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट एक तो होगा नहीं, एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और उनकी रिलेशनशिप ठीक है एट अ टाइम, कैसा बिहेवियर वो शो कर रहा है रिलेशनशिप ठीक। वो
ऑब्जेक्ट डायग्राम मॉडल द इंस्टेंसेस ऑफ थिंग कंटेन इन अ क्लास डायग्राम, इनका मॉडल कहाँ पे रहता है? क्लास डायग्राम के अंदर रहता है। ग्राफिकली एन ऑब्जेक्ट डायग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड आर्क, सारे डायग्राम वर्टिसेस और आर्क के कलेक्शन होते हैं, ये अच्छी एक सॉलिड लाइन है, आपको हर जगह लगा के आनी है। एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डायग्राम एंड शेयर सेम कॉमन प्रॉपर्टी एज ऑल अदर डायग्राम। भैया सेम कॉमन प्रॉपर्टी तो शेयर करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी कहाँ से लेके आएंगे? क्लास से लेके आएंगे। यू यूज ऑब्जेक्ट डायग्राम टू मॉडल द स्टैटिक डिजाइन व्यू और स्टैटिक प्रोसेस व्यू ऑफ द सिस्टम। दिस इन्वॉल्व मॉडलिंग अ स्नैपशॉट ऑफ द सिस्टम एट अ मोमेंट इन टाइम एंड रेंडरिंग द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर स्टेट एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक, द ऑब्जेक्ट डायग्राम आर नॉट ओनली द इम्पोर्टेंट फॉर विजुअलाइजिंग स्पेसिफाइंग डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर मॉडल बट ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग द स्टेटिक आस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम थ्रू द फॉरवर्ड और रिवर्स इंजीनियरिंग। जो सेम आप क्लास में बताया था वही ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होते क्या है, इंस्टेंसेस ऑफ क्लास ही तो होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक कंपनी थी ना, वहाँ पे जो कंपनी क्लास ली थी। अब एक चीज सिर्फ आप नोटिस करना कि ऑब्जेक्ट डायग्राम में नोटेशन का फर्क आ गया है। ठीक, देखिए ये एक अंडरलाइन और आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि वो कंपनी के नीचे, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट के नीचे। ठीक, यहाँ पे भी अनदर डिपार्टमेंट, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट वहाँ पे क्लास थी। अब यहाँ पे D1 D2 क्या है, ऑब्जेक्ट है उस डिपार्टमेंट क्लास के, C क्या है, ऑब्जेक्ट है कंपनी क्लासेस का, D3 क्या है, डिपार्टमेंट है ऑब्जेक्ट क्लासेस का, मैनेजर कौन हो गया, पी मैनेजर टाइप का रिलेशनशिप है, यानी पी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है किसका, पर्सन क्लास का। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट डायग्राम। अब देखते हैं इसमें क्या क्या, वही जो आपको जैसे मोटे मोटे पॉइंट आपको पहले बताए थे उन सबके ऊपर तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक, तो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में देखें तो हमें क्या लिखना है, एन ऑब्जेक्ट डायग्राम इज अ डायग्राम दैट शो अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप एट अ पॉइंट इन टाइम। ग्राफिकली एन ऑब्जेक्ट डायग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड आर्क। कॉमन प्रॉपर्टीज देखें तो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, एन ऑब्जेक्ट डायग्राम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डायग्राम एंड शेयर द सेम कॉमन प्रॉपर्टीज एज ऑल अदर डायग्राम। इज नेम ग्राफिकली कंटेंट that are a projection into a model. What distinguishes an object diagram from all other kind of diagram is it in particular content. ठीक है, अब content देखते हैं क्या क्या content है कि एक object diagram के अंदर, object होंगे, link होंगे, और क्या होता है, like all other diagram की तरह इसमें भी nodes and constant होते हैं। ठीक है, object diagram may also contain the package or subsystem. आपको थोड़ी प्रॉपर क्लास डायग्राम वाली चिपकानी है सिर्फ क्लास को टाके ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉमन यूज क्या करते हैं, यू यूज ऑब्जेक्ट डायग्राम टू मॉडल द स्टैटिक डिजाइन व्यू एंड स्टैटिक प्रोसेस व्यू। ठीक, विद क्लास डायग्राम के अंदर व्हेन यू मॉडल द स्टैटिक डिजाइन व्यू और स्टैटिक प्रोसेस व्यू ऑफ अ सिस्टम यू टिपिकली यूज द ऑब्जेक्ट डायग्राम इन अ वे टू मॉडल ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। मॉडलिंग, इसकी मॉडलिंग देखें तो क्या होता है, मॉडलिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व टेकिंग अ स्नैपशॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सिस्टम इन गिवन मोमेंट ऑफ लाइन। पर्टिकुलर टाइम पर वो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में। एन ऑब्जेक्ट डायग्राम रिप्रेजेंट ऑन स्टैटिक फ्रेम इन अ डायनेमिक स्टोरी बोर्ड रिप्रेजेंटेड इन इंटरेक्शन डायग्राम। ठीक है, स्टोरी मतलब एक तरीके से पर्टिकुलर टाइम पे उसका एक स्टैटिक नेचर होगा, उसको रिप्रेजेंट करना। ठीक, कॉमन मॉडलिंग टेक्निक तो वही सेम, मॉडल ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर टू मॉडल एन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। आप वीडियो को पॉज करके ये पर्टिकुलर इस थ्योरी को आप पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बाद बाकी सब क्लास डायग्राम की तरह इसमें भी सेम है। ठीक, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि ये अपडेटेड सिलेबस है सारा का सारा, और आई थिंक यूट्यूब पे तो अभी अवेलेबल भी नहीं है इसके बारे में ज़्यादा कुछ। ठीक, जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं एकदम कॉन्साइज और जो होना चाहिए सिर्फ वही नोट्स हैं। ठीक, और फालतू का ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं। ठीक है, थैंक यू।